2025 ऑक्शन में बल्लेबाजों का जलवा तो रहा, लेकिन बोलर्स ने भी कमाल किया, खासकर पेसर्स ने, फिर चाहे वो इंडियन हो या किसी दूसरे देश के। भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह तो 18 करोड़ में बिके। उनके अलावा भी कई और बॉलर थे जिन पर छप्पर फाड़ पैसों की बारिश हुई। ऑस्ट्रेलिया के पेसर जॉश हेजलवुड को आरसीबी ने 12.50 करोड़ रुपए में अपनी टीम में लिया। जोफ्रा आर्चर को भी इतने पैसे में साइन किया गया। पेस बॉलर्स के ऑक्शन में जॉश हेजलवुड का नाम सबसे पहले आया। लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिड की शुरुआत की। दोनों टीम्स इसे 6 करोड़ तक ले गई। इसके बाद आरसीबी ने 9 करोड़ की बिड लगाई, लेकिन एलएसजी वाले तुरंत पीछे नहीं हटे। 10 करोड़ रुपए पर एलएसजी बिडिंग वॉर से बाहर हो गई। मुंबई इंडियंस ने 10.25 करोड़ की बोली लगाई। अंत में आरसीबी ने 12.50 करोड़ रुपए में हेजलवुड को साइन कर लिया। प्रसिद्ध कृष्णा को गुजरात की टीम ने 9.50 करोड़ में शामिल किया। उनको लेकर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस ने बिडिंग गेम शुरू किया, लेकिन जैसे ही ये राशि 9.25 करोड़ तक गई, आरा ने खुद को बोली से बाहर कर लिया और गुजरात टाइटंस ने 9.50 करोड़ में पेसर को खरीद लिया। पेसर आवेश खान के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स ने बोली की शुरुआत की। 6 करोड़ रुपए तक पंजाब किंग्स ने बोली लगाई। अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9.75 करोड़ रुपए देकर खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। साउथ अफ्रीका के पेसर अनरिक नॉर्किया के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिड शुरू करी, साथ में कोलकाता नाइट राइडर्स भी जुड़ी, लेकिन जैसे ही बोली 6.50 करोड़ पर पहुंची, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खुद को बिड से बाहर कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम का इस्तेमाल भी नहीं किया। केकेआर ने पेसर को 6.50 करोड़ रुपए में अगले सीजन के लिए साइन कर लिया। इंग्लिश पेसर जोफ्रा आर्चर के लिए मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बोली लगी। बिड 6 करोड़ की पार पहुंची तो कई और टीम्स ने इंटरेस्ट दिखाया। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ में जोफ्रा को साइन कर लिया। लेफ्ट आर्म पेसर टी नटराजन के लिए शुरू में सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी ने बिडिंग की। जैसे ही ये 4 करोड़ की पार पहुंची तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी एंट्री ली। दिल्ली ने 6.75 करोड़ की बोली लगाई। अंत में दिल्ली ने नटराजन को 10.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को खरीदने के लिए भी कई टीम्स के बीच होड़ देखी गई। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरू में इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद 6.25 करोड़ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खुद को बिडिंग वॉर से बाहर खींच लिया। मुंबई इंडियंस इसे 8.50 करोड़ तक ले गई, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इसे 8.75 करोड़ कर दिया। जैसे ही मुंबई इंडियंस ने 12 करोड़ की बोली लगाई, राजस्थान ने इसे 12.25 कर दिया। मुंबई इंडियंस के 12.50 करोड़ बिड करते ही राजस्थान रॉयल्स ने खुद को पीछे कर लिया, माने बोल्ट अब मुंबई की तरफ से खेलने वाले हैं। लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद के लिए सीएसके ने बिड शुरू की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनका पीछा किया। जैसे ही सीएसके ने 4.80 की बोली लगाई, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खुद को बाहर किया। दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम का यूज नहीं किया और खलील सीएसके में शामिल हो गए। केकेआर ने शमी को लेने के लिए सबसे पहले बिड की, जिसके बाद सीएसके ने एंट्री ली। दोनों टीम्स ने बोली जारी रखी। ये 6 करोड़ तक पहुंची। 8 करोड़ पर सीएसके ने खुद को बाहर कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.50 की बोली लगाई, लेकिन 9.50 करोड़ पर खुद को बाहर कर लिया। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए बिड कर दिए। गुजरात ने शमी के लिए आरटीएम का इस्तेमाल भी नहीं किया। शमी हैदराबाद की टीम में शामिल हो गए। भारतीय टीम के पेसर मोहम्मद सिराज के लिए सीएसके ने सबसे पहले बिड की। कुछ ही देर में 2 करोड़ की बोली 8 करोड़ के मार्क को पार कर गई। सीएसके ने स्टेज पर खुद को बाहर कर लिया। जीटी ने 8.25 की बोली लगाई, जिसके जवाब में आरआर की टीम इसे 12 करोड़ रुपए तक ले गई। गुजरात टाइटंस ने सिराज को 12.25 करोड़ रुपए में साइन किया। आरसीबी ने बॉलर के लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया।
अर्शदीप का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। सीएसके ने उनके लिए पहली बोली लगाई, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 2.20 और सीएसके ने 2.40 करोड़ की बोली लगाई। चेन्नई 7.50 पर पीछे हट गई, जिसके बाद गुजरात टाइटंस ने 7.75 की बिड की। जीटी ने बोली 9.25 पर रखी, जिस पर दिल्ली ने 9.50 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। आरसीबी ने 10 करोड़ रुपए की बोली लगाते हुए इसमें एंट्री की। बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने अर्शदीप को 15.75 रुपए में खरीद लिया था। इसके बाद पंजाब किंग्स ने आरटीएम का इस्तेमाल किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने कीमत बढ़ाकर 18 करोड़ रुपए कर दी। पीबीकेएस ने भी यही करते हुए 18 करोड़ रुपए में अर्शदीप को खरीद लिया। रबाडा के लिए आरसीबी ने 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर बोली शुरू करी। गुजरात टाइटंस ने इसे बढ़ाकर 2.20 करोड़ रुपए कर दिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत पर बोली लगाई। आरसीबी ने बिड बढ़ाकर 10.50 कर दी, जिसे जीटी ने 10.75 कर दिया। रबाडा के लिए पीबीकेएस ने अपने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। कोलकाता और मुंबई के बीच खींचतान में स्टॉक की कीमत 6 करोड़ रुपए को पार कर गई। दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 रुपए की बोली के साथ एंट्री की। आरसीबी ने स्टॉक के लिए 10.50 की बोली लगाई, जिसे केकेआर ने 10.75 करोड़ रुपए कर दिया। डीसी ने 11.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर स्टॉक को साइन कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है प्रशांत ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।